मेरे साथ बोलिए भारत माता की। बैठ जाओ सर। भैया मैं खड़ा हूं ना, आप सब बैठ जाइए। मित्रों आवाज पर से लगना चाहिए पूरे राजस्थान। अरे बैठ जा भैया, चिंता नहीं है। मित्रों आवाज पर से पूरे देश को मालूम पड़ना चाहिए कि राजस्थान की 200 सीटों पर युवा इकट्ठे हुए। मेरे साथ विजय का संकल्प करकर, दोनों हाथ उठाकर विजय के संकल्प की मुट्ठी भींच कर प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, हमारे वरिष्ठ नेता श्रीमान मदन सहनी जी, राजस्थान की लोकप्रिय मुख्यमंत्री और जिन्होंने राजस्थान के गांव-गांव तक, गली-गली तक विकास को पहुंचाने का काम किया है, ऐसी श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी, और आज इस युवा टाउन हॉल के माध्यम से राजस्थान की सभी 200 सीटों पर मैं जिनसे संवाद कर रहा हूं वो तेज तर्रार और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्र। मित्रों आज मैं अपने आप को, भैया थोड़े नारे कम लगाओ युवा मोर्चे वाले, सिर्फ नारों से चुनाव नहीं जीता जाता है। आज मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि मैं महाराणा प्रताप, राणा सांगा, वीर दुर्गादास राठौर, बालू राणा, जालामान सिंह और भामाशाह की भूमि के युवाओं के साथ बात कर रहा हूं। मैं आज पन्ना भाई के त्याग की भूमि पर, मीराबाई के भक्ति से सफर भूमि पर और कालीबाई के बलिदान की भूमि पर बात कर रहा हूं। देश भर के युवाओं को अगर कोई पूछे, ऑप्शन दे दे कि कहां पर जन्म लेना है, तो वो आंख मूंद कर कह सकते हैं वीर भूमि राजस्थान में जन्म लेना होगा। ऐसे राजस्थान पर जहां पर सुंदर सिंह भंडारी और भैरव सिंह शेखावत की जन्मभूमि कर्मभूमि रही, लाल कृष्ण आडवाणी की कर्मभूमि रही और सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जहां पर कमल को सींचने का काम किया है, इस भूमि पर सभी युवाओं का आज मैं हृदय से स्वागत करता हूं। मित्रों अभी वसुंधरा जी ने राजस्थान में जो भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा है इसकी एक रेखा आप लोगों के सामने खींचने का प्रयास किया, मगर मैं अलग बात करने आया। वसुंधरा जी की सरकार ने विकास को देश में सबसे अच्छा किया ही, और ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति, जहां जहां हमें मौका मिलता है हम विकास करते हैं, जन जन के लिए काम करने का प्रयास करते हैं, वो प्रदेश को उन्नत करने का प्रयास करते हैं। परंतु आज का जो चुनाव है 2018 का और 2019 में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी को चुनने का चुनाव है, वो चुनाव हम सबसे कुछ और अपेक्षा करते हैं। आजादी के बाद 50 साल तक पंचायत से पार्लियामेंट तक कांग्रेस का शासन रहा और कांग्रेस ने हमारे लोकतंत्र को तीन नासूरों से ग्रसित कर दिया, जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टिकरण। ये तीन ऐसे नासूर थे
जो लोकतंत्र के अंदर मेरिट को खा जाता है, जिनके अंदर दमखम था, जिनके अंदर संभावनाएं पड़ी थी, जिनके अंदर मेरिट पड़ा था, वो युवाओं को प्लेटफॉर्म नहीं मिला। आगे बढ़ना है तो कोई परिवार में जन्म लेना पड़ेगा, आगे बढ़ना है तो कोई जाति बाहुल्य वाली परिवार में जन्म लेना पड़ेगा, और आगे बढ़ना है तो तुष्टिकरण की राजनीति को स्वीकार करना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी के जन्म से 1950 से हमें तीनों दूषणों के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे। मुझे कहते हुए आनंद है 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये तीनों दूषणों को परास्त करने में भारतीय जनता पार्टी को सफलता। और 14 से 18 तक ये तीनों दूषण भारतीय राजनीति से लगभग लगभग गायब हो, मगर जो पुराना रोग होता है वो कितना भी इलाज कर लो फिर से एक बार उभर कर आने का प्रयास करता है। और इसी तरह से ये जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टिकरण आज देश की राजनीति में फिर से सर उठाने का प्रयास कर। मित्रों, 18 का चुनाव जो है वो जातिवाद के खिलाफ का चुनाव, 18 का चुनाव है वो परिवारवाद के खिलाफ चुनाव, 18 का चुनाव है वो तुष्टिकरण के सामने का चुनाव है। और ये जंग राजस्थान के युवाओं के बगैर जीती नहीं जा सकती, युवाओं ने यह जंग जीतने की शुरुआत की। और मित्रों, हमने सोचना पड़ेगा, हमारी देश की राजनीति, लोकतंत्र को हमने स्वीकार कर लिया, बहुपक्षीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भी स्वीकार कर लिया, पार्लियामेंट्री लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भी स्वीकार किया, मगर हमारा देश इस 70 साल में जितना आगे बढ़ना चाहिए उतना नहीं। 40 के ही दशक में जर्मनी लगभग लगभग तबाह हो गया, हमसे भी खराब स्थिति में खड़ा था। आज जर्मनी कहां पहुंचा है? जापान द्वितीय विश्व युद्ध के बाद समाप्त हो गया, रशिया समाप्त हो गया, चीन के अंदर कोई विकास नहीं, ये सारे देश 70 साल के अंदर कहां पहुंच गए और हम कहां पहुंचे? इसका मूल कारण था देश के युवाओं में जो संभावनाएं पड़ी है, जो मेरिट पड़ा है, उसको प्लेटफॉर्म देने का काम किसी पार्टी किसी नेता ने नहीं किया। और भारतीय जनता पार्टी देश की राजनीति में इसलिए है कि हम युवाओं को प्लेटफॉर्म और उनको संभावनाएं तराशने का एक बहुत बड़ा मंच देना चाहते। और ये चुनाव जो 2018 का है वो इसी के लिए। और मित्रों, जहां तक राजस्थान सरकार का सवाल है, वसुंधरा जी बड़ी बड़ी लंबी 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 बातें करी, मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता, मगर वसुंधरा जी की उपलब्धि को बताने के लिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, राजस्थान में कोई भी परिवार ऐसा नहीं है जिसको कुछ नहीं मिला। 5 साल की सरकार के अंदर वसुंधरा सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राजस्थान के हर व्यक्ति को छूने का काम, बामाचा स्वास्थ्य योजना के तहत 34 लाख परिवारों को फायदा मिला, उज्ज्वला योजना के गैस 32 लाख लोगों को मिले, मुद्रा के लोन 40 लाख लोगों को मिले, प्रधानमंत्री आवास योजना 13 लाख लोगों को मिला, मोबाइल फोन 50 लाख महिलाओं को मिला, कॉलेज के युवाओं को लैपटॉप मिला, युवतियों को स्कूटी मिली, 11 लाख बेटियों को राजश्री योजनाओं का फायदा मिला, 80 लाख परिवारों में टॉयलेट बनाकर माताओं बेटियों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में 3 लाख युवाओं का स्किल डेवलपमेंट हुआ, फसल बीमा योजना का फायदा 43 लाख किसानों के पास पहुंचा, और कई सारी योजना। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार और यहां पर वसुंधरा सरकार ने मिलकर बहुत सारा परिवर्तन राजस्थान के अंदर करने का प्रयास किया है। और मित्रों, उपलब्धियों के जब आंकड़े देखते हैं तो चकाचौंध हो जाते हैं। मैं भी पार्टी का अध्यक्ष हूं, हमारी मुख्यमंत्री परिषद होती रहती है, वसुंधरा जी रिपोर्ट रखती है, मगर जब चुनाव आया और मैं आंकड़े देखने के लिए बैठा तो मैंने अभी एयरपोर्ट पर वसुंधरा जी को बताया कि जो काम हुआ है उसका प्रचार करने में आप संपूर्णतया विफल हो गई है, आपने काम ही करा है प्रचार नहीं करा। मित्रों, इतना सारा काम किया है, इतना सारा काम, ई मित्र में 900% की वृद्धि, आईटीआई में 95% की वृद्धि, मेडिकल कॉलेज 100% की वृद्धि,
स्नातक सीटों में 70% की वृद्धि, राजकीय कॉलेज 47%, उच्च माध्यमिक विद्यालय 150% और राजकीय विद्यालयों में दाखिला 20% से ज्यादा बढ़ा। आप कल्पना कर सकते हैं 900% की वृद्धि 5 साल के अंदर, ये कभी नहीं हो सकता। और बजट पहले 94,000 का छोड़कर कांग्रेस गई, तो कोई दूर की बात नहीं है, 5 साल पहले की बात कर रहा हूं, 94,000 का बजट छोड़कर कांग्रेस पार्टी गई थी, उसको 2,12,000 तक पहुंचाने का काम, करोड़ तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी, राजस्व 52,000 करोड़ था, इसको 1,03,000 करोड़ तक पहुंचाया, प्रति व्यक्ति आय 61,000 थी, आज प्रति व्यक्ति आय को 5 ही साल में 76,000 तक पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान, पानी का भूजल स्तर ऊपर लाना बहुत बड़ी बात है। मैं भी राजस्थान के सटे हुए प्रदेश से आता हूं, वसुंधरा जी की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इन्होंने 11 फुट राजस्थान की मरुभूमि में भूजल के स्तर को ऊपर लाने का काम, कितना परिश्रम करते हैं तब जाकर 1 फुट 2 फुट भूजल का स्तर ऊपर आता है, और कितनी चीजों में देश में प्रथम है, देश में अवार्ड मिले। और जब हमारी मुख्यमंत्री परिषद होती है तब मैं कई बार कई सरकारों को अनेक योद्धाओं के लिए कहा है कि राजस्थान से स्टडी कर अपने राज्य के अंदर ये योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने का काम करिए, इतने अच्छे ढंग से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली है। मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूं, वसुंधरा जी के साथ साथ नरेंद्र मोदी सरकार ने भी राजस्थान के विकास के लिए ढेर सारे काम, कांग्रेस की सरकार की अभी कांग्रेस वाले चिल्ला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया है, मैं अशोक गहलोत जी और पायलट जी को पूछना चाहता हूं कि जब केंद्र में आपकी सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, मौनी बाबा मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उस वक्त आप राजस्थान को क्या देते, राजस्थान की जनता के सामने इसका हिसाब लेकर आइए, क्या देते थे आप। मैं बताना चाहता हूं 13वां वित्त आयोग कांग्रेस के समय में आया, 13वें वित्त आयोग में राजस्थान जैसे बड़े राज्य को सिर्फ 1,09,000 करोड़ रुपया देते थे, कितना देते थे भाई जोर से बोलो जरा, राजस्थान भर में जो युवा देख रहा है वो सुन ले, आपके विकास के लिए कांग्रेस पार्टी 1,09,000 करोड़ रुपया देती थी, आपने सभी की सभी चीज भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और 14th फाइनेंस कमीशन आया, 14th फाइनेंस कमीशन ने 1,09,000 करोड़ से बढ़ाकर 2,63,000 करोड़ देने का काम ये भारतीय जनता, 2.5 गुना पैसा ज्यादा दिया है, और 2.5 गुना पैसा ज्यादा देने के साथ साथ और 36,000 करोड़ की योजनाएं दी, मुद्रा लोन 30,000 करोड़ की, अमृत मिशन 1,600 करोड़ का, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल पूल 2,433 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना 220 करोड़, विचुअल सर्किट 94 करोड़, मंदिर विकास 91 करोड़, डेजर्ट सर्किट 64 करोड़, पुष्कर और अजमेर के विकास के लिए 40 करोड़, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्लान के लिए 38 करोड़ और 36,000 करोड़ रुपया देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और ये हमारा हिस्सा था। मित्रों मेरा सभी युवाओं से अपील, एक कांग्रेस ही कभी दिखाई पड़े आपके वोट मांगने के लिए, जरा धीरे बांध पकड़कर हिसाब मांगेगा किस अधिकार से हमारे पास, पूछना चाहिए जब आपकी सरकार थी तब आपने क्या किया और कैसे करा। मित्रों भारत सरकार राजस्थान के विकास के लिए कटिबद्ध है और राजस्थान को एक फायदा होने वाला है। आप यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए, वसुंधरा राजे सरकार बना दीजिए, ऊपर नरेंद्र मोदी सरकार है ही, एक डबल इंजन राजस्थान के विकास के अंदर दिन दूनी चार चौगुनी प्रगति करने के लिए आ गई। और सामने क्या कांग्रेस पार्टी, राहुल बाबा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी है, भाई क्यों हंस रहे हो आप, मैं सिर्फ राहुल बाबा बोला हूं भाई,
अभी अभी वो कहते हैं, अरे छोड़ो भाई छोड़ो, अभी अभी वो कहते हैं, अरे सुनो आगे सुनो समय कम, अभी अभी राहुल बाबा को किसी ने सिखा दिया, कोई एनजीओ ने लिखकर दे दिया, हर रोज पढ़ते हम प्यार में विश्वास करते हैं। अरे राहुल बाबा कांग्रेस पार्टी का इतिहास उठाकर देख लो, ये आपके ही नेता देश के पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी का देहांत हो गया, उनके मृतदेह को कांग्रेस के कार्यालय रखकर श्रद्धांजलि भी आपने नहीं दी, उनका अग्नि संस्कार भी हैदराबाद में करना पड़ा। आप क्या प्यार की बात करते हो। सीताराम केसरी को जब सोनिया जी को अध्यक्ष बनना था, कांग्रेस कार्यालय से टिंगा टोली कर उठाकर सामान की तरफ बाहर फेंक दिया गया, क्या प्यार की बात करते हो। ये आपका संस्कार नहीं है। अभी दिवंगत अटल जी का देह नहीं रहा, पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरा देश एक मुस्त होकर अटल जी को देश का सर्वोच्च सम्मान देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी, इसको संस्कार को। बड़े बुजुर्ग जो आपके परिवार से रिश्ता नहीं रखते हैं, उनकी प्रताड़ना करने में, उनका अपमान करने में, उनको तिरस्कृत करने में आपने कोई कमी नहीं छोड़ी, आपके मुंह में प्यार की भाषा अच्छी नहीं लगती है राहुल बाबा। और ये राहुल बाबा अभी अभी सब जगह घूम रहे हैं और अब उनको एक गठबंधन का थ्योरी समझा। मित्रों गठबंधन क्या है, उनको लगता है गठबंधन के सहारे हम आगे बढ़ जाएंगे। गठबंधन कुछ नहीं है, गठबंधन एक प्रकोप है। भारतीय जनता पार्टी का समर्थक वोटर कार्यकर्ता जरा भी कंफ्यूज ना हो, गठबंधन के साथ भी मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूं 19 में अभी से ज्यादा बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मित्रों देश के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, अरे यार सुन लो भी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद देश के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन लाने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। 55 साल तक गांधी नेहरू परिवार का शासन रहा, शासन भी अपूर्ण शासन पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक, मगर देश के 50 करोड़ गरीबों के लिए कुछ, गरीबी हटाओ का नारा दिया, गरीब को हटाने का काम, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्थितियों में परिवर्तन करना। मित्रों 50 करोड़ गरीबों के जीवन में हमने परिवर्तन लाने का काम किया, 5.5 करोड़ गरीब माताओं की झोपड़ी में गैस का चूल्हा भेजकर धुएं से मुक्त झोपड़ी बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। देश में 8 करोड़ गरीब बहनों को शर्म से मुक्त करने का शौचालय देकर उनको सम्मान के साथ जीने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने। 19,000 गांव में बिजली पहुंचाई है, 2 करोड़ घरों में बिजली पहुंचाई है, 2 करोड़ घर बांध कर दिए है, 13 करोड़ सगर्भा माताओं को टीका लगाने का काम किया है, 13 करोड़ से ज्यादा युवाओं को मुद्रा बैंक की लोन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। और अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, 8.2% से हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती थी। ये अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, हमारी अर्थव्यवस्था को 9वें नंबर पर छोड़कर गए थे, चाहे बेचने वाले ने देते ने 9वें नंबर से 6वें नंबर पर पहुंचाने का। अगर राजस्थान में शपथ चल रही होगी भारतीय जनता पार्टी की, 6वें नंबर से 5वें नंबर पर चले गए होंगे, इसका मुझे भरोसा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 142 नंबर पर छोड़कर गए थे, 40 साल में 77 पर ले आए, महंगाई 8.4% से 3.3% पर करी, हाईवे 10 साल में आपने जितने बांधे हमें 4.25 साल के हैं, इससे ज्यादा हाईवे बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, 2 गुना रेलवे लाइन ज्यादा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, और सबसे बड़ा अगर कोई काम किया है मित्रों तो नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी।
मनमोहन सिंह की सरकार थी, 10 साल तक चली, 10 साल तक पाकिस्तान से आलिया मालिया जमा लिया, देश के अंदर घुस जाते थे और बम धमाके करके भाग जाते थे। कौन नहीं थे? नरेंद्र मोदी सरकार आई, उड़ी के अंदर उन्होंने प्रयोग कर लिया, कुछ आतंकवादी घुस गए, उन्होंने 12 जवानों को जिंदा किया, 12 जवानों को जिंदा किया और 12 जवानों को जिंदा जला दिया, उनको लड़ने का मौका दिया। सारे देश में गुस्सा निराशा हताशा कि अब मोदी जी का क्या करें। मगर मित्रों, इस बार नरेंद्र मोदी सरकार थी, मौनी बाबा की सरकार नहीं थी। इस बार कांग्रेस की सरकार नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, दसवें ही दिन मोदी जी ने सेना के रणबांकुरों को हुक्म किया, रात को 12 बजे सेना के रणबांकुरे पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करकर अपने जवानों की हत्या का बदला लेकर। और युवा जिस क्षण हमारे सेना के जवान भारत माता के जयकार के साथ भारत की भूमि पर वापिस आए, उसी समय समझदारी परिवर्तन हुआ। पहले दुनिया के अंदर अपने सेना के जवानों का बदला लेने वाले दो ही देश हुआ करते थे, एक अमेरिका और दूसरा इजराइल। एक सर्जिकल स्ट्राइक के बाद वो दो देशों की सूची में तीसरा नाम मेरे और आपके देश महान भारत का जोड़ने का था। कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी 1970 से घुसपैठ करती थी, चाहे राजस्थान की सीमा हो, गुजरात की सीमा हो, कश्मीर की सीमा हो या बंगाल और आसाम की सीमा हो, घुसपैठियों को कोई नहीं रोकता था, क्योंकि कांग्रेस में कांग्रेस उसको वोट बैंक दे। असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार थी, हमने एनआरसी लाया, एनआरसी आई नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, जिसके द्वारा घुसपैठियों को चिन्हित किया। असम में एनआरसी लाए, प्रथम दृष्टिया 40 लाख घुसपैठियों को चिन्हित कर दिया गया, 40 लाख। सिर्फ असम 3 करोड़ की आबादी में 40 लाख। और मित्रों, जैसे ही 40 लाख घुसपैठिये चिन्हित हुए, आप तो ताली बजा रहे हो, राहुल गांधी एंड कंपनी पूरी राज्यसभा लोकसभा में काऊ खाऊ काऊ खाऊ 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 हर शोभा बता दी। ये कहां जाएंगे, कहां रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, इनके हिम्मत रहेगा क्या? क्यों भाई, आपके मौसी के बच्चे लगते हैं, आपको इनके हिम्मत की चिंता है? ये देश में घुस कर बम धमाके करते हैं और माता और बच्चों के फूल चलते उड़ जाते हैं, इनके हिम्मत की चिंता नहीं? ये रोजगारी लेकर मेरे युवा को बेरोजगार करते हैं, उनके हिम्मत की चिंता नहीं है? उनके पेट में जब अनाज जाता है, मेरा गरीब देश का गरीब भूखे मरता है, उनकी गरीबी की चिंता नहीं? आपके लिए वोट बैंक हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। राहुल गांधी एंड कंपनी को जितना आक्रंद करना है, जितना रोना है रोने। युवा मित्रों, मैं आपको आज उत्तर देने आया हूं। 18 में आप भाजपा की सरकार राजस्थान में बना लीजिए, 19 में मोदी सरकार बना लीजिए, कश्मीर से कन्याकुमारी और आसाम से गुजरात तक एक एक घुसपैठिये को चूम चूम कर देश के बाहर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी। और मित्रों, और हम राजनीति के अंदर, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राजनीति के अंदर हमारे खुद के सुख के उपभोग के लिए नहीं है, भारत माता की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्रायोरिटी है, इसमें कोई बदल नहीं। आपको इसमें वोट बैंक दिखाई पड़ सकती है, हमें नहीं दिखाई। और मित्रों, सारी बातें मैं करूं इसका कोई मतलब नहीं, लोकतंत्र के अंदर जनादेश सबसे बड़ी बात है। अभी राहुल बाबा का मैं भाषण सुन रहा हूं मैंगलोर में, अरे सुनो यार,
मैंगलोर में एयरपोर्ट पर मैं वेटिंग रूम में बैठा था, वहां राहुल गांधी का भाषण चल रहा था कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार। तो मैंने सबसे पहले ऊपर देखा कि इसमें दिन है या रात, दिन था। अब कोई व्यक्ति को सपना देखने का अधिकार है, मगर दिन में देखने चाहिए क्या रहता हूं। अरे राहुल बाबा 2014 से जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, देश के चुनावी इतिहास को उठाकर देख लो, आपकी पार्टी को दूरबीन लेकर ढूंढना पड़ रहा है। युवा मित्रों, मैं आपको गिनाना चाहता हूं कि देश की जनता ने किस तरह से जनादेश दिए। सबसे पहले चुनाव आया महाराष्ट्र में, कांग्रेस गई, भाजपा आई, मेरे साथ बोलेगा। दूसरा चुनाव हरियाणा में कांग्रेस गई, तीसरा चुनाव झारखंड में कांग्रेस गई, चौथा चुनाव कश्मीर में कांग्रेस गई, पांचवा चुनाव असम में कांग्रेस गई, छठा चुनाव मणिपुर में कांग्रेस गई, सातवा चुनाव मेघालय में कांग्रेस गई, आठवा चुनाव नागालैंड में कांग्रेस गई, नौवा चुनाव त्रिपुरा में कांग्रेस गई, दसवां चुनाव हिमाचल में कांग्रेस गई, ग्यारहवा चुनाव उत्तराखंड में कांग्रेस गई, बारहवा चुनाव उत्तर प्रदेश में कांग्रेस गई, तेरहवा चुनाव गुजरात में फिर भाजपा आई, चौदहवा चुनाव गोवा में फिर भाजपा आई, अब राजस्थान में बताओ लाओ क्या होने वाला है। देश भर के अंदर बोलो भारत माता की। मित्रों, देश भर के अंदर जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, देश के 19 राज्यों में और देश के 70% भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी के भगवे झंडे को फहराने का काम देश की जनता ने। और अभी उन्होंने एक नई थ्योरी चालू की, झूठ बोलना, बार बार बोलना, सार्वजनिक रूप से बोलना और झूठ को सच साबित करने का प्रयास है। विमान में मेरे पास एक बच्ची बैठी, उसने कहा अंकल एक कहानी है आपको मैं सुनाना चाहती हूं आपके काम में। मैंने बोला बताओ रचना ना। मैंने बोला क्या कहानी है? कि कॉलोनी थी, इसमें चौकीदार बड़ा मजबूत और चोर बार बार प्रयास करते थे, 40 चोर थे, बारी बारी आकर आ गए, 40 चोर को चौकीदार ने खदेड़ दिया, चोरी नहीं कर रहे थे। तो 40 चोरों ने कहा कि अपनी तो रोजगारी छीन गई इससे, 40 चोर ध्यान से सुनना। तो 4 चोरों ने गठबंधन बनाया और सोसाइटी के आगे आ गए, वो कॉलोनी के आगे वो चौकीदार को कहने लगे चोरे 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 चोरे, मगर कॉलोनी के लोगों ने ठीक पहचान लिया, चौकीदार को पदोन्नति दे दी और चोरों को जेल में भेजने का काम कॉलोनी के लोगों ने। भारतीय जनता पार्टी देश के 19 राज्यों के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में जनता के कल्याण में लगी, देश की सुरक्षा में लगी, देश की सम्मान को दुनिया में बढ़ाने में लगी। और मैं मानता हूं मित्रों, समय आ गया है 70 साल बाद देश को दुनिया के सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाने का समय आ गया है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के अलावे कोई नहीं पहुंचा सकता मित्रों, कोई नहीं। आप मुझे बताओ राजस्थान में जिस तरह से ये 5 साल में विकास हुआ है, मुझे जर्नलिस्ट सरोज पूछते हैं क्या एक बार कांग्रेस आती है एक बार भाजपा की है। मैं युवाओं को आह्वान करने आया हूं, एक कांग्रेस भाजपा, भाजपा कांग्रेस का खेल बंद करने के आप क्या है, जरा जोर से बोलो करेंगे। यहां पर भी बार बार भाजपा को लाएंगे, भारतीय
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, कमल के निशान पर बटन दबाने के लिए जनता को प्रेरित करेंगे, भाजपा सरकार लाएंगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे, 19 में फिर से भाजपा सरकार लाएंगे, तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प का मुट्ठी दीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। तो 200 विधानसभा क्षेत्र के युवाओं से सीधा